हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि भट्ठा लगाने का तरीका सही से पता ना हो और ईंट भट्ठा लगाया जाए तो ईंट काफ़ी सारी ख़राब हो जाती है, या कहा जाए तो भट्ठा ही ख़राब हो सकता है। तो चलिए, हम आपको एक ऐसे ही भट्ठे ले जाने वाले हैं जो कि काफ़ी छोटा है और कहा जाए तो मतलब कुछ ईंट ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ईंट ख़राब हो गई है। तो ये देख सकते हैं, ये वही वाला भट्ठा है। तो अभी इसके देख सकते हैं हाइट कितना है, यानी कहा जाए तो मेरा ही लेवल पर ये भी भट्ठा है। तो ये करीबन कहा जाए तो ये 10 से 12 हज़ार तक का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसको पता नहीं किस प्रकार लगाया गया, तो इसमें कि कहा जाए तो बहुत सी ईंट खराब हो रही है और कुछ ईंट सही है। अब बीच की हो सकते हैं तो बहुत सी ईंट सही आए, लेकिन किनारे की बहुत सी ईंट खराब हो गई है। और अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मतलब खड़े छपाई वाला किया गया था काम, माना मतलब जो मिट्टी से इसको ऐसे लिपाई करते हैं उस प्रकार इसको लिपा गया था। ये पूरी तरह नहीं लिपा गया था क्योंकि नीचे से तो पर्दा डाला गया था, लेकिन यहाँ पर तो कहा जाए लिपाई का काम किया गया था। लेकिन ऊपर की ईंट देख सकते हैं किस प्रकार होगी। और इसमें कहा जाए तो थोड़ा ये खुला भी नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इसमें डाला क्या गया था, यानी ईंधन के रूप में क्या डाला गया था, कोयला डाला गया या किस कौन सा चीज़ डाला गया था। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं ये चारों तरफ से हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार है, यानी इधर से आप देख सकते हैं। वैसे तो ये चारों तरफ से खुल गया है, यानी पर्दा जो वाला भाग था तो निकल गया है। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कहा जाए तो छपाई वाला जो काम किया गया था तो भी मतलब कुछ लगा हुआ है। और नीचे की ईंट कहा जाए तो कुछ सही है, लेकिन कहा जाए तो बहुत सी ईंट ख़राब भी हो गई है। जैसा कि यहाँ ऊपर आप ये देख सकते हैं, वहाँ की ईंट ख़राब हो गई है, तो बहुत सी ईंट ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पर्दा वाला भाग भी कुछ बचा हुआ है, तो इस लेवल पे कहा जाए तो पर्दा लगाया गया था यहाँ इस प्रकार। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी की हाइट कितनी है, यानी यहाँ पर इस लेवल पर मिट्टी है और यहीं पर कहा जाए तो ईंट बनाने का काम किया जाता था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये झुग्गी झोंपड़ी है, यानी यहीं पर रहा जाता था। तो अभी ये देख सकते हैं किस प्रकार है। तो ये कहा जाए तो बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज हो गया है, यानी फट गया है इस पर, क्योंकि नॉर्मल रहने के लिए उस समय बनाया जाता था। अभी ये देख सकते हैं अंदर में काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया है, इस प्रकार हो गया है। तो कहा जाए तो ये एक सीजन के बाद गिर जाता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो यह कच्ची दीवार रहती है जिसकी वजह से यह गिर जाता है। तभी ये देख सकते हैं किस प्रकार हो गया है। दोस्तों, ये जो भट्ठा लगाया गया था इसको लास्ट सीजन में लगाया गया था, यानी कहा जाए तो जैसे सीजन बंद होना यानी बरसात का समय जैसे आने लगता है तो उस समय लगाया गया था। तो ये कहा जाए तो कुछ भट्ठा जैसे ख़राब हो गया, बाकी कहा जाए तो ईंट सही है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जाए तो ईंट पासने का काम किया जाता था। अभी देख सकते हैं यहाँ कहा जाए तो इस साइड की जो मिट्टी है तो मेरे लेवल पर है, यानी आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है और यहाँ की कहा जाए तो कचरी मिट्टी है, यानी कचरी कन्हार मिट्टी, जिसमें कहा जाए तो थोड़ा बहुत रेतीला वाला भाग रहता है, उस प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ चारों तरफ उसी प्रकार की मिट्टी है, कितना हाइट पे है यानी इसमें की मिट्टी, और यही जगह है, मतलब इसी मिट्टी को निकाल निकाल के यहीं पर पथने का काम किया जाता है। तो कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। इधर भी की भी हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर की जो भी मिट्टी है इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ये देख सकते हैं कितना हाइट पे है। दोस्तों, ये भट्ठा जो लगाया गया था आप इसको लास्ट सीजन में ही लगाया गया, लेकिन इसमें मेरे को ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें डाला क्या गया था, क्योंकि ये किसी भी साइड से खुला नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या चीज़ डाला गया है, ईंधन के रूप में कोयला डाला गया है या फिर भूसा डाला गया है या फिर मुर्गी का, क्योंकि कई तरीके से यूज़ कर पाया था, ज़रूरी नहीं रहता कि कोयला ही डाला गया है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं वहाँ से चार लेवल पर चार ईंट उतरी हुई है, लेकिन चारों ईंट में समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं डाला गया, लेकिन ये भी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या डाला गया। चार लेवल काफ़ी ज़्यादा होंगी, ऊपर वाला भाग में चार लेवल पर कुछ ना डालना काफ़ी है, उसमें भी थोड़ा बहुत ईंट पकी हुई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें डाला क्या गया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।